सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि मैं अभी तक वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं, बहुत दिन हो गया, तो वही रीजन मैं आप लोगों को बोलने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। सो हे गाइस, हाय, मायसेल्फ डी जिंकनाथन, यू आर वाचिंग द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। वन सेकेंड, आप लोग बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि आपका इंट्रोडक्शन वीडियो मुझे बहुत पसंद है, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ आपका। वीडियो करने के लिए बहुत मेहनत होती है, खास तौर से व्लॉगिंग करना तो सबसे ज्यादा मेहनती काम है, और मैं जो व्लॉग बनाता हूँ वो सिर्फ रॉ मटेरियल का होता है, वहाँ पे कोई कहानी नहीं होती है, कोई कहानी मैं डालना नहीं चाहता था, इसीलिए मेरे वीडियोस में इतना व्यूज नहीं आते हैं। व्लॉगिंग करने का एक तरीका होता है जो तरीका स्टोरी टेलिंग भी बोला जाता है, और वो स्टोरी टेलिंग मेरे वीडियोस पे आपको दिखाई नहीं देती, वो मैं मानता हूँ, और एक्चुअली मैं करना भी नहीं चाहता। मैं व्लॉगिंग करता हूँ जो मेरे साथ हो रहे हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं कहीं पे जा रहा हूँ, वो जगह में जाके उसका वीडियो, उसका डिटेल्स देने की मैं कोशिश करता हूँ, ना कि कहानी में सुना के आप लोगों को एक वीडियो लंबा करा देता हूँ, वैसा नहीं होता है। मैं जितना भी आप लोग मेरी वीडियो देखा होगा वो वीडियो पे सिर्फ रॉ जितना इन्फॉर्मेशन मैं डाल सकता हूँ मैं डाल देता हूँ, इन्फॉर्मेशन इज मेन थिंग। तो गाइज, मैं वीडियो अपलोड इसीलिए नहीं कर रहा था व्यूज के वजह से। जब काजीरंगा नेशनल पार्क में घूमने के लिए गया था विद फैमिली, उसके बाद से मैं वीडियो अपलोड करता गया, एक दो वीडियोस पे अच्छा अच्छा व्यूज आ रहा था, पर उसके तुरंत बाद जो इम्पोर्टेंट वीडियो था वो इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं सोचा था कि इस वीडियो पे जरूर अच्छा व्यूज आएगा, बट होनी को कौन टाल सकता है, उस वीडियो पे व्यूज आई ही नहीं, जितना व्यूज आना चाहिए था वो उतना भी व्यूज नहीं आया। सो मैं इसीलिए बहुत परेशान हो गया, हैरान हो गया कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 2017 से लेके 2021 तक कम्प्लीटली नॉन स्टॉप मैं वीडियो अपलोड करता गया, अपलोड करता गया, अपलोड करता गया, अपलोड कर रहा हूं अभी तक, पर व्यूज ही नहीं आता है, तो सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ता है, एक दो ऐसे बढ़ता है, व्यूज भी वैसे ही बढ़ रहा है, पैसा मिलने का बहुत दूर की बात है, कम से कम अच्छी तरह से मेरा स्टेबल तो हो जाए। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, और दूसरी बात, मैं एक हफ्ता कॉन्टिन्यूसली वीडियो अपलोड करूंगा, मंडे से लेकर संडे तक कॉन्टिन्यूसली एक एक करके मैं वीडियो अपलोड करूंगा हर रोज। सिर्फ आज का टाइमिंग थोड़ा गलत हो गया, कल से आपको 8 AM सुबह को एक एक वीडियो आपको मिलेगी, ये मैंने ठान ली है, और मैं आपको ये वीडियो अपलोड करके ही रहूंगा जैसे भी करके, उसके बाद देखता हूँ चैनल ग्रो होता है कि नहीं होता है। YouTube से बहुत सारे एल्गोरिथम निकलते रहता है, हर रोज चेंज होते रहता है, दिन ब दिन वो टफ होते जा रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर ही रहा हूँ। मेरा भी एक वायरल वीडियो हुआ था, आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि बिगेस्ट टनल ऑफ गुवाहाटी, वो मेरा वीडियो जो था 1.5 से थोड़ा ज्यादा ही व्यूज आ गया, अभी भी उसका व्यूज आ रहा है, और एक दो वीडियोस पे अभी भी मेरा व्यूज अच्छे अच्छे आ रहा है, मगर मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जितना आप लोगों से चाह रहा हूँ, वो नहीं हो रहा है। नंबर 3, हिंदी फ्लुएंसी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो मेरा है ही नहीं, थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूँ, मगर जितना एक प्रोफेशनल हिंदी स्पीकिंग आदमी बोल सकते हैं उतना अच्छी तरह से मेरा नहीं आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरा ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है। अभी तक जितना मैं इस वीडियो पे मैं जितना आपको बोल रहा हूँ, वहाँ पे कितना कितना जगह में मिस्टेक किया हूँ वो आप सभी को पता चल गया होगा, तो इसके लिए मुझे प्लीज माफ जरूर कर दीजिएगा। और मैं हिंदी इसलिए बोलता हूँ कि मैं असम को रिप्रेजेंट करने के लिए, असम में जितना टूरिस्ट प्लेस है वो सब कुछ मैं बाहर का आदमी को दिखाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट का जितना यहाँ पे ब्यूटी है, वो नेचुरल सीनरीज है, वो मैं बाहर का आदमी को दिखाने के लिए, उन लोगों को मैं ये बोलने के लिए वीडियो करता हूँ कि आओ हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, जो आपको शायद आउट ऑफ इंडिया में भी आपको नहीं मिलेगा, जो नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर हम लोग बोलते हैं, देखने लायक है, आपको नेचुरल सीनरी से लेके मैन मेड थिंग्स तक आपको यूनिक यूनिक चीज आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज
कम टू नॉर्थ ईस्ट, इसलिए मैं हर वीडियो हिंदी में बोलता हूँ ताकि बाहर का आदमी नॉर्थ ईस्ट में आए। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। यही था, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आप लोग जितना भी वीडियो देखते हैं मेरा, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपका दोस्तों के साथ और आपका फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो या फिर हर कोई वीडियो जो इम्पोर्टेंट वीडियो होता है वो सब कुछ शेयर करिए। आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ। वीडियो आज यहीं पे खत्म करते हैं, कल सुबह फिर 8 बजे मैं आपको एक नए वीडियो के साथ लाऊंगा, वो भी ब्लॉग वीडियो। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बोलिए, अच्छे लगे लाइक कमेंट शेयर एनीथिंग यू कैन डू दैट। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम एंड जॉय आयर होम, बाय बाय गाइस।